गुड मॉर्निंग एंड सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों। आज डीपीएसवी आपको जहां लेके जाएंगे वह एक बिल्कुल एक कच्ची सड़क है जो हम बारिश में एंजॉय किया करते हैं। और गांव में जो भी पगडंडियाँ या कच्ची सड़कें होती है बारिश में क्या मिट्टी जम जाती है और साइकिल चलाने में बड़ा मजा। बीकानेर बाईपास पे आप देख सकते हो, यह है सालासर सिटी आवासीय योजना फेज 3। यहाँ से आज हमारी शुरुआत होगी और हम लोग जाएंगे, ये देखिए, ये जो कटराथल के अंदर जो सॉरी फेज 3 से हम आप आगे जाके देख सकते हैं एक तालाब है बहुत बड़ा। तो ये तालाब नहीं है बेसिकली, ये बीकानेर वाला जो बाईपास है। और यहाँ पे भी जो मस्त बारिश हुई है ना 2-3 दिन में, उससे जो एक सड़क ने नदी का रूप ले लिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, वापस यू टर्न लेके थोड़ा सा कच्चा सड़क लेके ताकि पानी हमारे को कम से कम मिले। और फिर हम जो अविकसित जल संसाधन है ये हमने इसलिए आपको दिखाया है ताकि जो है इसके बारे में किसी प्रकार का कोई प्लान, अगर कोई वीडियो देखता है हमारे जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इन जल संसाधनों को विकसित करने की, तो वह लोग इस पे ध्यान दें और अगले वर्ष इस प्रकार जो इकट्ठा हुआ है इस पानी का सदुपयोग हो सके। तो आज का हमारा विजिट रहेगा, मैं आपको बताता हूं, एक गांव है किरडोली जो सीकर से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से हम जब मेन रोड पे आते हैं तो एक कच्चा सड़क निकलेगा जो केशवानंद स्कूल के साइड से जाके मिलता है। उस स्कूल से पे हम निकलेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से हमारा डेवलपमेंट हो चुका है। ये है सर, देखिए बीकानेर बाईपास, और बीकानेर बाईपास पे मजेदार एक जो पानी का एक जल संसाधन आप देख पा रहे हो। स्वच्छ पानी है वैसे तो बारिश का, लेकिन भाई साहब का कहना है कि इसको विकसित करने के लिए अपन लोग क्या कर सकते हैं, इसको विकास करने के लिए ये बताओ आप। तो अपने घर में भी अपन मकान बनाते हैं ना, तो कोई जगह ऐसी रहती है जिसमें गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है, होता है ना, और आप फिसलन भी पड़ जावा। खड्डा करते हैं हम तो, हाँ खड्डा करते, तो वैसा अपन कर सकते हैं ना। भी टाइप को आगे कोई बड़ा सका पा 2-3 जगह पर ही है। तो सर ये देखिए भाई साहब कह रहे हैं कि पानी अगर इकट्ठा हो रहा अपने घर में भी अगर होता है तो अपन लोग खड्डा कर देते हैं। तो आपको कोई ने पूछा थोड़ी यार कि भाई एक बार क्या व्यवस्था करा? ना ना नहीं पूछते, खुद ही कर लेते हैं आप। अभी मैं गेला में देख रहे हो कोई रोड बिना जमी, रोड से थोड़ी सी नीचे कच्ची रोड है ना, तो उस पर 4-5 जना मिट्टी डाल के और बिना लेवल कर रहे हैं। तो मैं पूछो माने देखेगा कि हम तो खुद ही डला रहे हैं, खुद ही डला रहे हैं। हम 10,000 रुपये खर्चा कर दिया, वो ये पानी सूखता ही, गिराता हूँ मिट्टी गिराता हूँ और ये पानी आता ले जाता है। सरकार पर डिपेंड रहे कि कौन कर सका, आप लोग काम आपने खुद नहीं करना, खुद नहीं करना मारी राय में। चलो ठीक है भाई साहब, तो उन्होंने कहा भाई साहब आप खुद ही जो इसका विकसित करो यार इस जल संसाधन को, ताकि भविष्य में मतलब कोई ज्यादा दुर्घटना हो, पानी का बढ़िया से उपयोग हो सके। ये देखिए सर मस्त, सीकर शेखावाटी जिंदाबाद, सूर्य देवता बादलों के अंदर, बादलों के कवच के अंदर, और डीपीएसवी हमेशा की तरह आपके लिए निकल चुके हैं। भांति भांति के जो आपके गांव हैं, सड़कें हैं, कच्ची सड़कें हैं, जो आप कितना गली कूचे और आपके क्यारी धोरे, उन सबको आप तक लाने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए कि ये जो जल भराव है, इन्होंने भाई साहब ने कहा इस जल संसाधन को विकसित किया जा सकता है। जो घरों के अंदर अपन पानी इकट्ठा होता है तो हम खड्डा खोद के वहाँ इकट्ठा कर देते हैं, उसी प्रकार से इसका भी कर सकते हैं। ये भी घर ही है हमारा, और सभी लोग मिलजुल के इसका निस्तारण करें ताकि अननेसेसरी किसी तरह की परेशानी किसी को नहीं आए। लक्ष्मणगढ़ 20 किलोमीटर का माइलस्टोन, और चलते रहिए। यहाँ पे लेफ्ट में जो वो एक अच्छी सड़क एक जाएगी, हम दिखाते हैं आपको, उससे फिर हम लोग केशवानंद स्कूल के पास निकलेंगे। मेन जो बीकानेर लक्ष्मणगढ़ हाईवे छोड़ने का समय आ गया है, ये हमें एक अच्छा सड़क दिख रहा है जीवन नगर, यार ये नहीं इतने शायद आगे से मिलेगा रास्ता, जीवन नगर का बोर्ड लगा हुआ था। यहाँ से जस्ट थोड़ा सा आगे क्रॉस करके बीकानेर बाईपास पे यह है, इस कच्चे सड़क को पकड़ के हम लोग केशवानंद स्कूल तक जाएंगे। ये देखिए नीलकंठ और या फिर विजय माल्या वाले किंगफिशर, ये है सर कच्ची सड़क के, आनंद लीजिए। अब एकदम से जो मेन जो ट्रैफिक की जो
आवाज़ होती है कर्कश वह ख़त्म हो जाएगी थोड़ी देर में, आपकी आवाज़ आपको ही सुनना नहीं सुनने में लग जाएगी। देखिए सुबह की दुनिया, सीकर शेखावाटी जिंदाबाद। देव नंदी साइड में खड़े हुए बेचारा, चू बेचारा। चलते रहिए। देखिए बाउंड्री बना दी भाई साहब ने पूरे, ये देखिए भव्य और विशाल, जिनके पास में जो है खेत है, समृद्धि है, मेहनत है, मेहनत ही इसको आगे ले जाती है। शानदार मस्त रोड देखो, बिल्कुल आपको पक्की सड़क का एहसास हो रहा है अभी इस समय। चक्का ये देखिए, ये किंगफिशर, ये कॉलोनी लग रही है यार। आंवले का पेड़, अलग अलग भांति भांति के पेड़ हैं। ये लो सर, बिल्कुल तगड़ी छाया होगी, तगड़ी भाई साहब। इधर तो कीचड़ भी आ गई, साइकिल जा पाएगी, जानी चाहिए। थोड़ा सा रिस्क तो है फिसल के गिरने का, बट ट्राई करते हैं। और भाई क्या हाल है? पानी और ज़्यादा तो नहीं आ गए? ये यार सही है, ज़्यादा पानी तो नहीं है ना यार भैया आगे? पानी फूल लेते हैं नहीं, अच्छा फूल हटे तो एक और थोड़ी आगे केशवानंद तक को ना। ना ना ठीक 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 ठीक। ये देखो मस्ती आ रही भाई साहब, कह रहे बोले यार घुसा लो इसमें पानी के अंदर। तो ये है, ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ थोड़ा सा गहरा रहता है ना वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, बट ओवरऑल मज़ा है यार। ये इसी टाइम इकट्ठा होगा, एक्सप्लोर करने का मज़ा ही यही है। अदरवाइज़ क्या है, गर्मियों में आओ तो मिट्टी सूख जाती है, फिर आप साइकिल जैसे वाहन पे नहीं आ सकते। तो ये बीकानेर बाईपास से जीवन नगर के जस्ट आगे से कच्चा सड़क जाता है जो कि किरेडोली जाएगा। ये देखिए, प्यारी सी गलियाँ, अनछुई गलियाँ, आज तो किसी ने इसको एक्सप्लोर नहीं किया। सीकर शेखावाटी की सुबह की दुनिया के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ब्राह्मण नाड्या खुदाई कार्य हुआ है यहाँ पे। कोई ये लो यहाँ भी है थोड़ा सा पानी, चलते रहो कोई बात नहीं। ये है ब्राह्मण नाड्या, नाड़ी और वो होते हैं ना जोड़ी इस टाइप की, इसकी खुदाई का कार्य हो चुका है। आपका अंतिम स्थल ग्राम का, डीपीएस भी सतत आगे की ओर बढ़ते हुए, लोग बाग कम है यहाँ पे। अभी आप देखिए सीकर सिटी से लगभग 6 या 7 किलोमीटर होगा, ये खाली पड़ा बिल्कुल। तो कहने का मतलब अनछुए बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जिस पर हम आपको ले जाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए मिट्टी सूखी सी भी है, ये देखिए बड़ा दालान आ गया अब टीला भी था बीच में। ये देखिए डीपीएस और उनकी साइकिल, ये पीछे का इनका क्या अब छोड़ा है हम वो गलियाँ। ये लो सर मज़े हो गए सबके, पशुओं के भी, भैंसों के, गायों के। ये लो फुल चरो आराम से, कोई पूछने वाला नहीं है। ये है बारिश और मानसून का नतीजा, खेत के अंदर चरो, खेत के बाहर चरो। ये लो सर 2-3 भैंसें इधर भी चर रही हैं। अरे कई ये लड़ाकू किस्म की भी होती हैं, देखो पैर बांध रखे हैं, ये डेंजरस हैं दोनों। ये नहीं है, ये सीधी है, इसलिए पैर खोल रखे हैं इसके। जरा सा जो है रास्ता यार मज़ेदार, हरा भरा सीकर हमारा न्यारा। ये देखिए कृषि के कार्य करते, जय श्री राम भाई जी। ये देखिए वाह, सभी खुश, मेहनत करके खुश है यार। ये देखिए बीच में नीम का पेड़, आज ही एक अखबार में न्यूज़ आई है, जो कोई गांव है कौन सी जगह यार
बोला जहाँ पे खुद का मकान बनाते हैं ना तो पहले नीम का पेड़ लगाते हैं। तो यार बहुत अच्छी चीज़ है भाई, निर्माण कार्य भी चलता है तो देखिए बहुत सारा पॉल्यूशन होता है बहुत तरह का। तो सरोकार पर्यावरण से संबंधित रखेंगे तो सभी को फायदा है। ये देखिए साइड में, ये आपका ग्वार का खेत है, शिशु ग्वार। वाह, ये देखिए वाइट फ्लावर्स, बेल है इसमें एक्चुअली में। चलते रहिए, मज़ेदार लज्जतदार सड़क, भगाओ तेज, आनंद लीजिए शेखर शेखावाटी की कच्ची सड़कों का। ये लो सर, यहाँ भी हल जोत दिया गया है, शायद बाजरा बाजरा लगेगा यहाँ। इधर भी लगा हुआ बाजरा, ये शानदार। या हो हलीम, अब वाली नहीं कर दी वाली भाई। अच्छा यहाँ बेरो कौन पड़ा इसमें? हाँ ये बात हो गया, मैंने रखे बेरो पड़े। लेट हो जाओ तो मान लो बाजरो वाजरो लगा सी, गुआर की लगा सी। अच्छा वो खुलेट हो तो कौन है ना, घंटा बहुत तेज है वो। हाँ भोग रहे हो परचू तो देखो। चलो ठीक है भाई जी, ये है आप सही कह रहे हो, गुआर लगाएंगे। ऐसे पता नहीं लगा सकते कह रहे हैं कि भाई क्या लगाया है। ये तो जो कृषक जिसने जो जुताई करवाई है वही बता सकता भाई साहब। मस्त ये तो वादियों का आनंद लो, हरी भरी हरा भरा कबाब। नाम से भी देखो लोग बाग इतना ऐसी रेसिपी बेच देते हैं जो शायद मेरे हिसाब से देखो मुझे तो थोड़ा कमी पसंद आती है यार। तो हरियाली और हरा भरा जो चीज़ है जीवन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए निर्माण करते हुए एक फैमिली, कृषक फैमिली वही हमने चालू किया था बीकानेर बाईपास से जो केशवानंद स्कूल है वहाँ तक जाने के लिए कच्चा सड़क पकड़ा। वैसे मेन रोड भी थी जहाँ वो होटल हाईवे किंग बना है, लेकिन हम आए कच्चे सड़क से। ये लो हरी मिर्ची, गुलाब, गुलाब के फूल हैं ये देखिए, शानदार। वाह पैरट्स देखिए, वाह मस्त। आनंद लेते हुए सही, ये देखिए ये बछड़ा गाय को परेशान करते हुए जाने। ये भी ऐसा भी होता है, नंदी परेशान कर रहा है। ये देखो वो गाय, मतलब माँ और बछड़े की जो है वो हो रही है एक्सरसाइज। ये लो सर, थोड़ी देर में हम केशवानंद स्कूल पहुंच जाएंगे। ये कोई जोड़ी आ गई है, चलते रहिए अनटस्ट बिल्कुल। जो मेन लैंडमार्क है जीवन नगर, नानी बाईपास, ये बीकानेर बाईपास पे जो स्थित है, उसे जीवन नगर से कच्चा सड़क पकड़ के हम लोग आए हैं इस किरडोली गांव में। किरडोली का भी जो ईस्टर्न एरिया है, देखिए इधर से राइट साइड में चली जाएगी केशवानंद स्कूल। अरे लेफ्ट वाली सड़क पता नहीं किधर जाती है यार। केशवानंद स्कूल आपको ध्यान होगा जहाँ पे नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे स्विमर्स ने बहुत स्विमिंग का बहुत अच्छा वहाँ पे कोच है और सेटअप है, मतलब स्विमिंग वगैरह सिखाते हैं वह केशवानंद स्कूल। हाँ वहाँ वह आपको दिखाएंगे, और एक सीकर के अच्छे स्कूल्स में है वो। तो मैं रिकमेंड करता हूँ, मतलब इस तरह के जो अच्छे हमारे स्कूल्स हैं इसके अंदर भी आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। चलते रहिए, देखिए कुछ जल, ये वन विभाग और पंचायतों के द्वारा विकसित किए गए जंगल हैं जिसके अंदर ये बबूल लगाए जाते हैं। कुल मिला के इस तरह के पेड़ सही हैं क्योंकि ये पानी वगैरह की जो है ज़मीन में से बहुत कम खींचते हैं, क्योंकि वैसे भी ड्राई और एरिड एरिया है राजस्थान, तो
पुराने समय में हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने भी जो है इस प्रकार से ऐसे ही पेड़ों का चयन किया था जिससे कि पानी बहुत का नुकसान कम हो। हमें भी उसको अपनाना चाहिए और या फिर जल को इस ढंग से हमें वह करना चाहिए मैनेज, ताकि जो है आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियां जो है जल के लिए परेशान ना हो, क्योंकि जल है तो कल है मेरे प्यारे दोस्तों। ये देखिए ग्रीन स्कूल आपको नज़र आ रही होगी, केशवानंद स्कूल, बहुत ही बड़ा स्कूल है। ये एक्चुअली दो हैं ये, तो ये और एक हाईवे पे भी है, तो दोनों सेंटर्स जो हैं शायद एक ही संस्था के उसके होने चाहिए। तो यह था जीवन नगर सीकर से, और केशवानंद स्कूल एक कच्चा सड़क है उससे हमने पूरा किया। तो कैसा लगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप भी एक साइकिल खरीदें, घूमें फिरें, लोगों से मिलें जुलें, स्वास्थ्य को पाएं, स्वास्थ्य लें, स्वास्थ्य दें। आपके जो जीवन की परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए लोगों से मिलें जुलें, मिलने जुलने से भी काफ़ी समस्याओं का हल हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। ये आगे की डोली रोड, तो बने रहिए हमेशा DPSP के साथ में। हैव अ नाइस डे माय डियर फ्रेंड्स, बाय।